दोस्तों ये है मावा नगर सेंटर सुभाष चौक सामने आपको सुभाष बुक डिपो दिखा दे रही है। वहाँ पे हर तरह की आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किताबें मिल जाती हैं। दोस्तों हम खड़े हैं मेरठ बिजनौर के रास्ते पे, जो चौराहा है यहाँ से मावाने के लिए रास्ता जाता है और ये सीधा मेरठ चला जाता है, और इधर साइड में आप देखेंगे सीधा फलावदा एक टाउन है वहाँ पे ये रास्ता जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करके जा रहे हैं अभी मावाना की तरफ, और ये जो आपका बाईपास है बिजनौर बाईपास, ये अभी चौड़ा होने लग रहा है और यहाँ से काम शुरू हो चुका है इस पर अभी सड़क बनने का। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और मावाना की तरफ यहाँ से चलते हैं। बीच में एक गांव आएगा खेड़ी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए खेड़ी पहुंचकर मैं आपको बताता हूँ खेड़ी गांव के बारे में। यहाँ दोस्तों राइट साइड में हमें एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया है, बड़ा प्यारी मूर्ति बनाई गई है शिव भगवान की यहाँ पे। तो रास्ते में ही है इस खेड़ी के, और आगे थोड़ी सी दूरी पर हमें खेड़ी गांव मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों खेड़ी बनिहार का आपको बोर्ड दिख गया होगा, यहाँ से गांव की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी अच्छा छोटा सा गांव है मावाना कस्बा के पास में, और काफ़ी हरा भरा गांव है यहाँ की। दोस्तों पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि तो काफ़ी उपजाऊ है ही, यहाँ पे गन्ने की खेती काफ़ी फेमस है, क्योंकि मावाना शुगर मिल काफ़ी फेमस शुगर मिल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और पूरे देश में यहाँ से चीनी सप्लाई की जाती है। तो गाँव काफ़ी अच्छा है, छोटा सा गाँव है। तो यहाँ से बाईपास रास्ते से होते हुए हम सीधा मावाना की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके साइड में कुछ गांव के कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ से जैसे ही हम इस गांव से बाहर निकलेंगे तो मावाना रोड पे हम आ जाएंगे, जहाँ से मावाना लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही रह जाता है। देखिए सामने आपको बोर्ड दिख गया होगा, यहाँ से मावाना की शुरुआत हो जाती है। हम मावाना में एंट्री कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में आपको छोटा सा एक मंडप सालिनी मंडप दिखाई दे रहा है, मैरिज हॉल। दोस्तों हमने एंट्री की है मावाना में फलावदा रोड के साइड से। ये आपको दुकानें अभी लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर दुकानें बंद ही नज़र आ रही होगी, लेकिन मार्केट खुला है अंदर, 7 बजे तक की परमिशन है मार्केट में घूमने की। देखो राइट साइड में आपको कृषक इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, इसको जाट कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। तो फलावदा रोड की तरफ से हम धीरे धीरे हसनापुर रोड पे जाएंगे, और वहाँ से हम राइट टर्न मार के सुभाष चौक की ओर तरफ जाएंगे, और जो वहाँ का जो गोल मार्केट है वहाँ पे हमें कुछ ख़रीदारी करनी है, वहाँ पे हम जाएंगे। चलिए धीरे धीरे चलते हैं हम फलावदा रोड की तरफ, आगे बढ़ते हुए हसनापुर रोड पे जाएंगे। चलिए दोस्तों आ गए हैं हम फलावदा रोड से क्रॉस करके, अभी हसनापुर रोड पे आ रहे हैं, यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं। और चलिए अब हम हसनापुर रोड पे इधर मेरठ की तरफ हमने चलना शुरू कर दिया है, हसनापुर मेरठ रोड है ये, और सुभाष चौक भी आगे ही हमको मिलेगा। सुभाष चौक से हम एंट्री कर जाएंगे हम गोल मार्केट में, और गोल मार्केट में जाने के बाद आपको दिखाते हैं
हमें एक शॉप पे जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, तो दिखाते हैं हमको क्या खरीदना है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों हम आ गए हैं सुभाष चौक पे। सामने आपको सुभाष जी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके जा रहे हैं अंदर गोल मार्केट की तरफ। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे अंदर मार्केट में, और हम आए हैं पूजा की दुकान पे, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है दोस्तों। तो हमें अपने कान्हा जी के लिए एक झूला खरीदना है। तो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे झूले देखे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं, और इनमें से जो पसंद आ जाता है उसको हम लेंगे और कान्हा जी के लिए घर पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी मवाना और आसपास के क्षेत्र के हैं और जिनको वीडियो पसंद आई है, उस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियोज़ हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।